मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान जी के भक्त हैं। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। राज्य सरकार आगामी बजट में बेटरमेंट टैक्स लगाने की तैयारी में जुटी है। जिस क्षेत्र में प्रदेश सरकार विकास के काम करेगी, यदि उस विकास के कार्यों से आसपास के क्षेत्रों की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी पर बेटरमेंट टैक्स लगाया जाएगा। सोमवार को वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इस टैक्स के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बेटरमेंट टैक्स से आम जनता को कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त बोझ आएगा। यह सिर्फ प्रॉपर्टी पर टैक्स है, आम जनता पर नहीं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कमलनाथ सरकार आगामी बजट में किसी भी नए टैक्स को लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के प्रावधान आगामी बजट में रखे गए हैं, लेकिन आम जनता की परेशानियों का भी ध्यान रखा गया है। राज्य शासन की विभिन्न विभागों में ऑडिट आपत्ति की वजह से 1700 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जो कि राज्य शासन को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस राजस्व को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय सभी ऑडिट आपत्तियों को जल्द निराकृत कर रहा है, जिससे शासन को उसके 1700 करोड़ रुपए प्राप्त हो सके और उसका खजाना भर सके। वित्त मंत्री ने कहा, वह सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त हो। बजट में कुछ ऐसी ही परिकल्पना की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नर्मदा गौकुंभ के नाम पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप के जवाब में वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा, ना तो वे सॉफ्ट हिंदुत्व जानते हैं और ना ही हार्ड हिंदुत्व के बारे में उन्हें पता है। वे सिर्फ धार्मिक आयोजन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान जी के भक्त हैं और इसी वजह से धार्मिक आयोजन कराते हैं। इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार तो मठ मंदिर के रखरखाव का काम कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है। राय दुरुस्त है और आगे भी ईश्वर उनको मां नर्मदा उनको ऐसी प्रेरणा दे किसी पे कायम भी रहे, क्योंकि ये तो कहते कुछ है और करते कुछ है, बदल जाते हैं तो बदले नहीं। जो इनको प्रेरणा मिली है मेरे आह्वान के बाद गौकुंभ में आए, संतों का आशीर्वाद लिया, मां नर्मदा को का पूजन किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरी बात में उनको सच्चाई लगी, इसलिए उसको सुनने के 6 दिन बाद कुंभ शुरू होने के वो आए और उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। अब आगे भी इसी रास्ते पे चलते रहे, ईश्वर उनका भी जरूर कल्याण करे। सीएम साहब आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण घोषणा। धर्म प्रेमी है तो चलिए भंडारे में बैठकर मां नर्मदा का और इस गौकुंभ का प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए, इसमें मेरा भी थोड़ा स्वार्थ था। मां नर्मदा की कृपा से मुझे मौका मिला सरकार में काम करने का। मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग भी मुझे दिया है, जिम्मेदारी सौंपी है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के दायित्व के साथ साथ मुझे इस बात का कर्तव्य बोध भी है कि मैं जबलपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। उसी क्षेत्र में मां नर्मदा के तट पर ये आयोजन हो रहा है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की और आने वाले समय की चिंता मत कीजिए। हम लोगों की भावनाओं को समझकर काम करने वाली सरकार है। जैसे मैंने पहले पूर्व में कहा कि धर्म सत्ता के आदेश पर राज्य सत्ता चल रही है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी संतों का आशीर्वाद लेकर सरकार चला रहे, तो हमने एक बहुत बड़ी सौगात जबलपुर को और दी। और आप लोगों ने पिछले बजट में देखा भी कि हम मां नर्मदा के 9 किलोमीटर लंबे तट पर पुराना तिलवारा के ब्रिज से लेकर भडोली तक मां नर्मदा रिवर फ्रंट का निर्माण करने जा रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसे हम इरीगेशन डिपार्टमेंट के रूप में भी जानते हैं, उसने पूरी कार्य योजना तैयार कर दी है, DPR तैयार हो गई है। और मां नर्मदा के आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर वो स्वीकृत भी हो जाएगी और उसकी निविदा की प्रक्रिया होगी। तो जब तक अगला मां नर्मदा गौकुंभ यहाँ पर होगा, हमारी वो जो परिकल्पना थी कि जबलपुर को एक धार्मिक राजधानी के रूप में स्थान मिले, और यहाँ लोगों के मन में पीड़ा थी बहुत लंबे समय से, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, कि जबलपुर को वैसा स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जैसा अन्य बड़े शहरों को महत्व मिला वैसा नहीं मिला और जबलपुर पिछड़ गया, तो वो जो दंश हम बहुत दशकों का झेल रहे थे वह भी समाप्त होगा और निश्चित तौर पर मां नर्मदा रिवर फ्रंट का निर्माण होगा, एक अद्वितीय स्थल बनेगा जहाँ बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होंगे। मां नर्मदा गौकुंभ का आयोजन भी होगा और साथ साथ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जबलपुर न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना स्थान बनाएगा। मां नर्मदा गौकुंभ का समापन एवं स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित संस्कृति थिएटर का लोकार्पण एवं कमिश्नर व कलेक्ट्रेट कार्यालय में ई ऑफिस कार्य प्रणाली के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन 3 मार्च 2020 सायं 6 बजे से
गीता धाम क्वारी घाट जबलपुर में किया जाएगा, जिसमें विश्व विख्यात सूफी गायक श्री कैलाश खेर की विशेष प्रस्तुति भी होगी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, अध्यक्ष माननीय श्री तरुण भनोज जी, मंत्री वित्त विभाग, विशेष अतिथि माननीय श्री लखन घनघोरिया जी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण एवं माननीय श्री विवेक कृष्ण तनख्वा जी, राज्यसभा सांसद एवं माननीय श्री प्रियव्रत सिंह जी, ऊर्जा मंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, नगर पालिका निगम जबलपुर एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड जबलपुर। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।